सो हे वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर के में। और आज हम फिर से आए हैं एक नई बकचोदी के साथ पबजी मोबाइल लाइट में। तो चलिए शुरू करते हैं। जम की रिक्वेस्ट आ रही है, कर ले यार एक्सेप्ट। बैंक ये उतारेगा आज। चल 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 चल, हाँ हाँ उतर रहे हैं भाई। अबे एनिमी है यहाँ पे, एनिमी है नीचे, मार लोगे ना, तुम्हारे बस की तो है। आ गया साइड में एनिमी, चलो देखते हैं क्या है। इधर मिल गया यार स्कालर, हाँ स्कालर मिल गई। चलो 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 भाई, गन ले ले फटाफट, अगर बंदा मिला फिर मुझे मत बुलाइयो तू। चल 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 भाई, गन मिल गई, गन गन गन। चलो ठीक है भाई, इतने में क्या है वहाँ जो बन गया है यहाँ पे साथ में। ओहो, और दोस्त मेरा जो है भाई खतरे में है, इस समय आप बचाना जरूरी है उसको, तो पहले बचाने जाएंगे भाई। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, मुझे ब्राइटनेस कम होगी। चलो हाँ ये रहा, हाँ हाँ बेटा तुम आओ पहले, आओ 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 बेटा, आ जाओ आ जाओ, पापा आए बेटा आपके, बेटा स्वागत भी करोगे हमारा। आओ 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 बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मस्त साले की तेरी साले, ये ले। ओहो इतने में से क्या होता भाई, दूसरा बंदा भी आता है यहाँ पे साइड में, देखिए उसको भी कैसे मारते हैं। थोड़ी सी पहले पहाड़ ला लेता हूँ, उसके बाद फिर मारने चलते हैं उसको। भाई साल बना रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मारेंगे इन सालों को। मर साले वो, ओहो हो हो, बेटी चौथ बेटी चौथ बेटी चौथ, ओहो साइड में छुपा पा बेटी चौथ का साला। साले हम भी यूपी वाले हैं, ऐसे ही छोड़ेंगे ना तेरे को। बजा 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 इसको बजा। ओ भाई तू जल्दी मर कैसे जाता है यार, देख रहा पावर मेरी, इतनी कम पावर में तो भाई यमराज भी कहते हैं यार अब तो चल ले मरने की कदार पे पूरे। ओहो कुछ जो भी मिल रहा सामान भाई उठा लो बस। ओहो सामान लो भाई, कमेंट में लिख के बताओ यार तुम्हारी कौन सी फेवरेट गन है। मेरे को तो यार स्कालल बड़ी पसंद है, तुम्हारी कौन सी मुझे बताओ। स्कालल और UMP9 मेरी फेवरेट गन है भाई। UMP मिल जाती भाई मज़ा आ जाता है, और तुम्हें पता है ओम तो भाई मस्त चलाता है ये तुम्हारा भाई। इसलिए वीडियो अगर नहीं देखी तो उसको देखना जाके जरूर, उसमें मैंने बताया कैसे ओम चलाते हैं बढ़िया, पावर बढ़ाते हैं। चलो यार चलो, सही है, सही जा रहे हैं। अरे सही मार रहा भाई लौंडा अपना साथ में, बढ़िया है ये तो। अगले मैच में भी इसे खिलाएंगे फिर तो। चलो 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 चलो, चलो बुलावा, फर्स्ट एड ने बुलाया है। चलो भाई मिल गया सामान, चल यार हेड पैड मिल गया सामान भाई, क्या यार इतना फालतू की छुटे बंदे चलिए भाई। कभी कभी तो क्या होते हैं मैं जो स्टेडियम में इतने बंदे घुस जाते हैं, मारने मुश्किल हो जाते हैं, अपने सारे बंदे ख़त्म हो जाते हैं। तो भाई मैं यही कहूँगा कि स्टेडियम में अगर आप उतर रहे हो तो ये स्टेडियम मोबाइल जैसा पोचंकी है, यहाँ पे अगर उतरोगे तो सबसे पहले जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके सामान उठाओ, गन उठाओ सारी, और एकदम मत घुस जाओ। क्योंकि अगर तीन चार बंदे साथ हो गए तो कोई माई का बाप का लाल नहीं है जो उन्हें मार दे। क्योंकि भाई अगर चार बंदों का स्क्वाड है और तुम अकेले उनसे लड़ने जा रहे हो तो तुमसे बड़ा चूतिया इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, छुप छुप के मारना है, अलग अलग करके मारना, दबा दबा के मारना है। मारना है लेकिन कैसे मारना, छुप छुप के दबा दबा के हट हट के मारना है। यूं नहीं कि भाई एक साथ ही बकलोली करने बैठ जाओ, ठीक है ना। कई बार हुआ भाई, रिकॉर्ड तोड़ तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, छुप छुप के मारोगे मार दोगे, एक साथ मारोगे पक्का मार जाओगे। ये कोई हरामी होते हैं जो बताते हैं कि एक साथ भी मार सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है भाई, कोई जादू नहीं है इस गेम में। देखते हैं भाई ड्रॉप में, साले लूट गए हरामी लोग। यार पबजी में ना यार एक ऑप्शन होना चाहिए, साले अपने बंदों को भी मार सके, ये बम से मार सकते हैं वो पता है यार, गोलियां भी चलनी चाहिए साले को, मन करे उड़ा दो। साले हरामी ड्रॉप लूट लेते हैं, या तो फिर इतनी यार बेमानी नहीं करनी चाहिए भाई। ड्रॉप देखी थी मैंने पहले, मेरे को लूटने देते, साले खुद लूट के ले गए हरामी लोग।
और भाई जैसे बंदों को यार ड्रॉप दिखते ना, चाहे अपने हो चाहे दूसरे, साले कुत्ते ही तरह जाते हैं मैच। इतना तो वो भी 12 महीने भूखा कुत्ता भी होगा ना, इतना तेजी से नहीं जाएगा जितनी तेजी से ही जाते हैं साले। साली सबसे चूतिया गन है, एक क्यों पड़ी रहती है पता नहीं सब्जी के अंदर। M164 भाई इतनी घटिया गन है, जीवन में अगर तुम्हें UMP तो खैर बढ़िया गन है, मान लो अगर शॉर्ट गन मिल ली और ये वाली मिल ली ना M164, तो जिंदगी में धोखा खा जाओगे। M164 मत ले लेना कभी, क्योंकि ये ऑटो गन नहीं है। UMP9 मिल जाए, UMP9 तो भाई मजा आ जाएगा तुम्हारा। UMP9 बढ़िया गन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो चलो चलो, अरे ये भाई क्या भांग पी के बैठा है? बंदे टहले सामने, बंदा सामने बैठा है, बताओ भांग पी के मारो 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 साले मारो मारो। ओहो यार इतनी पावर लेने की इससे क्या जरूरत थी, बहुत चौधरी बन के बैठा था बताओ। ओहो तू वहां झाड़ियों में पीछे छुपा, आए हाय क्या मेरी मस्तानी, आ रहा हूँ बेटा आ रहा हूँ क्या। ओए ओए बेटा झाड़ियों में छुप के तुम ये समझते हो अपने आप को मोगैम्बो, बेटे तुम को अबे चूतिए ये पबजी में साले बॉट आ जाते हैं। ये देखो ये चलने के पैरों के जो निशान आते हैं ना भाई, एक टाइम के लिए तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं भाई, ऐसा लगता है सारी सुनामी तुम्हारे ऊपर ही आएगी, ये बंदे तुम्हें ही मारने आ रहे हैं। सीलर किलर वाली फीलिंग आती है भाई सही में। ये देखो ये देखो ये बंदा एकदम ऐसे ऐसे आया जैसे भाई पूरा भाई टॉम क्रूज हो, तुम्हें मारने आ रहा हो बिल्कुल। मिशन इम्पॉसिबल कर रहा था बंदा, लेकिन उसको इम्पॉसिबल ही रहने दिया, पॉसिबल नहीं करने दिया मैंने। हाँ ये तुम ये फ्री के खैरात के बंदे आ गए सामने, आओ बेटा लूटो लूटो लूटो। साला किल हम करते हैं, मैं लूट के लेके जाते हैं। खाओ 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 बढ़िया खाओ, तेल खाओ। चल चल अरे मिल गया भैया सामान बहुत है, तो यार चलते हैं यहाँ से। जोन भी आ गया रेड जोन भाई। एक वैसे मेरे पे भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे जो दोस्त यार जितने भी यहाँ पे खेल रहे हैं ना पबजी, उन सब के ऊपर मैंने देखा रेड जोन के अंदर बॉम्ब गिरता ही रहता भाई, आज तक मेरे ऊपर नहीं गिरा। ये मेरे पे बहुत अच्छी कृपा है भगवान की, मैं ईश्वर की इतना ही क्या एक कृपा है मेरे पे। चलिए चलिए बाकी मेरे दोस्त यार भी मतलब खेलते हैं तो उनके ऊपर अक्सर गिरता रहता बॉम्ब वगैरह भाई। बिल्कुल मोबाइल की कॉपी है लाइट के अंदर मैंने देखा है, और भाई लाइट मैं बताऊं सही है ना काफ़ी। अब यकीन नहीं मानोगे मैं कुछ ही मतलब दिन मैं खेला है इसमें है ना, और मैं स्टार्टिंग से लगी और अब मैं क्राउन पर आ चुका हूँ बड़े आराम से। तो इसमें मतलब कोई बड़ी बात नहीं है इतनी जल्दी आना, और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है। अगर आप मोबाइल पे प्लेयर बनना चाहते हो तो लाइट से आप स्टार्ट करोगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए, बिकॉज लाइट में आपका लेवल अप होता है धीरे 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 धीरे। मोबाइल में ऐसा कोई हवा नहीं कि उसमें नहीं खेल सकते, उसमें भी खेल सकते, बस भाई थोड़े टिप्स और ट्रिक्स होते हैं भाई, थोड़े खेलने के लिए सीखने पड़ते हैं कैसे मारना बनना हो। सबसे पहले तो कभी भी तुम्हारे सामने अगर बंदा आए तो उसको सीधा नहीं छोड़ना, सीधा मतलब बुलेट नहीं छोड़नी उसके ऊपर, खड़े नहीं रहना एक डायरेक्शन में, हिलते रहना पॉइंटर से हिलाते रहना, और हमेशा ना अलर्ट रहना गेम के अंदर, कभी भी ना सड़क पे खड़े नहीं होना, मूव करते रहो। उससे क्या होगा कि अगर दूर एनिमी अगर तुम्हें गोली मारेगा अभी तो उसकी लोकेशन तुम्हें पता चल जाएगी, उसके बाद तुम स्कोप लगा के या उसके पास गाड़ी ले जा के भी मार सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा फोर्थ प्लेयर मर गया, इसको चलते हैं बचाने, हो सकता है बचा ले क्योंकि वहाँ पे बंदे हैं उसके पास, देखते हैं बचा सकते हैं कि नहीं, कोशिश तो पूरी करेंगे बचाने की इसको।
अब देखो ये बंदा अपना पहले से था, ये देखो ये लेटे हुए ये बंदे, इनके ऊपर सीधा गाड़ी चला दी, ये मार दिया। ये देखो ये आराम से बंदा लेटा हुआ था, आराम से मार दिया। और भी है बंदा यार इसके अलावा भी है मेरे ख्याल से, यहाँ पे मुझे लग रहा है भाई। कभी भी ना जैसे कार होती है, कार में क्या करते हैं बंदे, अगर जैसे दूसरी गाड़ी आ रही होती है तो अगर तुम कमज़ोर हो तो वो क्या करेंगे कि नीचे लेट जाएंगे और थोड़े थोड़े दूरी पे चले जाएंगे, जिससे कि एक बंदा अगर उनका मर भी जाता है तो दूसरा बंदा आके तुम्हारी पूरी टीम को ख़त्म कर देगा, उसके बाद आ जाएंगे। ठीक है ना, तो काफ़ी केयरफुल हो गए हैं आजकल, काफ़ी छुप छुप के मारते हैं बंदे, पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल होना स्टार्ट हो गया है। तो तुम्हें भी थोड़ा भाई दिमाग लगा लगा के मारना पड़ेगा आजकल पबजी में, इतनी आसानी से नहीं होती फिर। तो कुछ लोग कहते हैं कि पबजी लाइट बड़ी आसान होती है, भाई नहीं लाइट आसान नहीं है भाई, लेकिन मैं कहूँगा भाई मुश्किल भी नहीं है अगर तुम्हें खेलना आता है। ठीक है, और किल करना भाई कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से किल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो भाई पहली ट्रिक मैंने तुम्हें बता दी थी कि कभी भी स्टैंडिंग में खड़े भी नहीं रहना, घूमते रहना इधर उधर। ठीक है, दूसरी भाई जो बात आती है वो आती है अगर जैसे तुम एम कर रहे हो किसी पर, तो एम करते वक्त अगर तुम सिटिंग पोजीशन में हो गए है ना, वो भी चलते चलते सिटिंग पोजीशन में, बताऊँगा कैसे करते हैं। जैसे ऐसे, हाँ जैसे ये तो अभी दूरी का है, ठीक है, अभी जैसे भागते भागते भी अगर कर रहे हो सिटिंग पोजीशन पे और लेटने वाली पोजीशन पे अगर मारोगे तो एम अच्छा होगा हमेशा। तो अगर मान लो कोई बंदा तुम्हारे सामने आ जाता है, ठीक है, और वो तुम्हें मार रहा है, तो तुम या तो उसको कर्सर अपना घुमा घुमा के आगे पीछे होके राइट लेफ्ट होके उसको मार सकते हो, या फिर तुम लेट सकते हो। सबसे अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि बंदे को इतना रिस्पॉन्स टाइम नहीं मिलता कि वो स्कोप लगा सके या फिर तुम्हारी जो अपनी लोकेशन है पॉइंटर की उसके गन की वो एडजस्ट कर सके, क्योंकि वो डरा होता है। ठीक है ना, आप भी फील करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे बॉम्ब मारा अभी, ठीक है, अब देखो मैं सीधा नहीं गया, डायरेक्ट रश नहीं करा, पहले उसको बॉम्ब मारा मैंने। बॉम्ब लगेगा तो वो बंदा पहले डर जाएगा भाई, पूरी तो स्क्वाड टीम है ना, अकेला नहीं है ना, जब भी तो भाई इतना दिलेर है तो कभी भी भाई मारने जाना। देखो बंदे को मैंने सीधा यहाँ पे आके मार दिया, डायरेक्ट रश करना डायरेक्ट, ठीक है ना, और पहले बॉम्ब मारना है उसके बाद रश करना है। अगर तुम पे बॉम्ब नहीं है ना तो स्मोक वगैरह ग्रेनेड वगैरह कुछ भी हो, जिससे क्या है कि आप आदमी का ध्यान भटका सको। तो भाई फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको प्यार दीजिए अपना, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, भाई तुम्हारे भाई का चैनल है। थैंक यू।